हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद विश्वास आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और हमारे इस चैनल FECV.org में जो भी नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप लोगों के पास नए जो भी वीडियोस हैं आर्ट संबंधित और कल्चर से रिलेटेड वो आप लोग देख सकें और उसका आनंद ले सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आता होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो फेलोशिप जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और जिनको पोलाक क्रासनर ग्रांट अवार्ड के लिए अप्लाई करना है वो वीडियो ना देखें। तो जिनको भी ये ग्रांट के लिए अप्लाई करना है वो बेझिझक मुझे मैसेजेस या कमेंट बॉक्स में नीचे वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर भी मैं इसमें डाल दूंगा, अगर किसी को अतिरिक्त जानकारी कुछ चाहिए तो बिल्कुल वो उसमें संपर्क कर सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे फेलोशिप्स में, स्कॉलरशिप में स्टूडेंट लोगों के लिए मेरे पास कई फ़ोन आए कि सर स्टूडेंट के लिए कोई इसमें है क्या फेलोशिप ये स्कॉलरशिप। तो मैंने, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ग्रीन शील्ड, एलिजाबेथ ग्रीन शील्ड करके एक अवार्ड है जो कॉलेज में पढ़ते हुए भी स्टूडेंट्स को मिले हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को। तो आने वाले समय में जिनको जिनको भी ये अवार्ड मिले हैं हम चाहते हैं कि वो लोग एक इंटरव्यू हो, पर उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर ऊपर होना चाहिए तभी हम यूट्यूब में वो इंटरव्यू का अरेंज कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जब भी ये 1000 क्रॉस कर जाएगा तो हम लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हम उन लोगों से रूबरू कराएंगे जो लोग जिनको अवार्ड वो मिल चुका है, उनके अनुभव वो अच्छे से खुद साझा करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि ये जो भी स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ये सारी चीज़ें हैं, रेसिडेंसीज हैं, जिनके बारे में मुझे पता हो, मैं चाहता हूँ उनके बारे में आपको भी पता हो। तो इस मुहिम में उम्मीद है आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे। और ये चैनल हिंदी में शुरू करने का एक मेन कारण ये था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है बहुत सारे, हमें जो कॉलेज में तकलीफ हुई जब हमें एक बैग से इंग्लिश के बहुत सारे लेसन्स, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें मिली तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई। तो दूसरा एक चीज़ कि भाषा को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे इंटीरियर में कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंग्लिश को उतना ये नहीं होता, वहाँ सिलेबस हिंदी में होता है, मराठी में होता है या दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। और हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको शायद समझने में भारत के कोई भी कोने में कोई भी रहे उनको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास अभी हैदराबाद से एक फ़ोन आया था कि सर आप हिंदी में, इंग्लिश में भी आप वीडियो ये कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो एक दो चार लोगों को प्रॉब्लम हो वो फ़ोन करके बात करे, वो मैं उनको शॉर्ट आउट कर दूँगा उनको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। तो दूसरी बात ये कि जैसे बहुत सारे इंटीरियर के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए भी ये सुविधाजनक हो। तो इसीलिए मैं सारे जो भी वीडियोस इसमें दिख रहे हैं वो हिंदी में हैं। और आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं बट वो कमेंट नहीं करते हैं, बट करना चाहिए। अगर आप लोग अपना सुझाव देंगे तो ये वीडियो और बेहतर होगा, आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन होगा तो और भी उसको हम अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि जितने सारे लोग देखते हैं, देखने के एवरेज में उसमें वो उस हिसाब से मैं सही से उनको उसका विश्लेषण कर पा रहा हूँ या उनको सही जानकारी दे पा रहा हूँ, ये मुझे जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं वो लोग अपने अपने क्वेश्चन रख देते हैं, तो दूसरे तीसरे वीडियो में जब भी ये बात होती है तो मैं हमेशा वही बात रखता हूँ। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि इमेज लिस्ट जैसे तैयार करना होता है पोलाक क्रासनर जो ग्रांट अवार्ड है उसके लिए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था कि जैसे जो इमेजेस के नीचे एडिट करके हम टाइटल, साइज, एयर नेम, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वो सारे चीज़ों को आप एक कॉपी करके एक वर्ड फाइल में 10 काम का एक लिस्ट बना लें।
जिसमें साइज़ के हिसाब से, जो साइज़ सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे लास्ट में से, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें फाइनल इसके साथ सबमिट करना होगा। और दूसरा, इसके बाद वाले जो वीडियो में मैं बजट और इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, क्योंकि बजट के मामले में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, और जिनको ये मतलब बजट के ही उसमें ही सारे ये हो जाते हैं कि जिसको मिलना है वो बजट के उससे ही मिल जाता है, बाकी जो गड़बड़ियाँ दिखती हैं पहले ही दिख जाती हैं। मेन मुद्दा ये होता है कि आपका अगर ईयरली इनकम $5,000 है और बिना आपको इधर उधर कमर्शियल वर्क या दूसरे प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट किए बिना आपको पूरा साल भर बिना इसके फेलोशिप से काम करना है, तो आपका टोटल खर्चा कितना आता है? जैसे स्टूडियो रेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्रेमिंग हो गया, गैलरी बुकिंग हो गया, यही सारी चीज़ों पे ही हम लोग खर्च करना इसको चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जब भी हम लोग खर्च करते हैं तो हमारा टोटल बजट क्या होता है, हाउस होल्ड जो भी चीज़ें हैं, बच्चे के, फिर पेरेंट्स के, फिर दूसरे और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके बजट में। तो इस बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोग बिल्कुल देखना ना भूले वो वीडियो, वो बहुत काम का है। और जो उसमें दिया हुआ है $5,000 से लेके $30,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, आप कितना अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कि आप कहीं अदर सोर्सेज से इनकम भी कर रहे हैं क्या, तो मैं एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम भर सकते हैं क्या, तो उसमें ऐसा है, आप बिल्कुल भर सकते हैं, बट आपका जो अदर सोर्सेज का इनकम है उसमें आपको बताना होगा कि आपके अदर सोर्सेज से क्या इनकम हो रहे हैं। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है तो उसका भी उसमें कॉलम दिया हुआ है, तो वो भी है ना उसमें बता सकते हैं कि वो चीज़ें कितना वो अर्न करती हैं। तो इस सारी चीज़ों का एक टोटल अमाउंट होता है जिसमें आपका ईयरली अमाउंट जितना है और उसके बाद आपका खर्चा जितना है वो आपको उसमें मेंशन करना होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो का मेन कारण यही था कि बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि आप हिंदी में बोलते हैं और दूसरा हमें उसके नेक्स्ट लेवल पे क्या है, तो वो चीज़ें, बाकी कोलकाता के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस बार शायद अप्लाई करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, कुछ लोगों ने 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो मुझे खुशी है कि जितने ज़्यादा लोगों को मिले इंडिया में, वो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मिले, जो लोग देखते हैं वीडियो सभी को मिले, बट वो ईयर वाइज मिलेगा, हर साल कम से कम 5-6 लोगों को मिलता है, तो अप्लाई जिसने जिस बार जो किया उसके काम के हिसाब से मिलेगा। आप हर बार मैं यही बोलता हूँ कि इन सब वीडियोस को आप इतना शेयर कीजिए ताकि मेरे जो YouTube व्यूअर्स उनको भी मिले, और दूसरा कि आप जितना शेयर करेंगे आपके काम के, आपके योग्यता के अनुसार आपको उतना मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो नहीं पता होता लेकिन मिलता ज़रूर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। और इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई ओपन कॉल हो, कोई रेसिडेंसीज के बारे में मालूम पड़े, बिल्कुल एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। ये अगर हम ये छुपाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो छुपाते हैं कि हमें दूसरे को मालूम पड़ जाएगा हम क्यों नहीं भरे, तो वो छुपाना आज सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे छुपाने वाला चीज़ नहीं होता है। आप एक के ज़रिए दूसरे को, दूसरे के ज़रिए तीसरे को, एक ग्रुप में नहीं, चौथे पाँचवें ग्रुप में आ ही जाता है, तो इसलिए ऐसा कोई मैटर नहीं होता, बट जितना शेयर करेंगे आपको उतना मिलेगा और ये ज़रूर मिलता है। तो हमेशा दूसरों को साथ में लेके चलने का एक जो ये है, जो बहुत सारे इसमें नहीं होता है, बट वो एक दूसरे को साथ में लेके हमेशा चलना चाहिए। तो मेन जो ये आज की वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का कि बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के लिए ना चूकें। और जिन्होंने, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जितना अधिक शेयर करेंगे मुझे उतनी खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।